आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। प्रशांत झंवर का उषा मार्टिन के निदेशक मंडल से इस्तीफा। कई किस्म के घोटालों, वित्तीय गड़बड़ियों, घपलों और कुप्रबंधन का लगाया आरोप। बोले, कंपनी में कानूनी प्रावधानों का हो रहा खुल्लम खुल्ला उल्लंघन। प्रबंध निदेशक राजीव झंवर और उनके सहयोगी गलत काम में हैं लिप्त। आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड के औद्योगिक इतिहास में एक बड़ी घटना हुई है। राज्य में टाटा समूह के बाद निजी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी उषा मार्टिन समूह के निदेशक मंडल से गैर कार्यपालक निदेशक प्रशांत झंवर ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कंपनी के निदेशक मंडल को संबोधित 6 पन्ने के पत्र में अपने इस्तीफे के कारणों का विस्तार से उल्लेख किया है। उषा मार्टिन समूह के प्रमोटर बसंत कुमार झंवर के पुत्र प्रशांत ने कहा है, कंपनी का कुप्रबंधन और प्रबंधन के गैर कानूनी कार्यों के प्रति निदेशक मंडल का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब सारी हदें पार कर चुका है। मैं पिछले कुछ समय से इसका विरोध करता रहा हूं, लेकिन मेरी चेतावनी का कोई असर नहीं पड़ा। उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया, पत्र में लिखा गया है। हालांकि मैं कंपनी का गैर कार्यपालक निदेशक हूं और लंदन शिफ्ट होने के बाद से मैं कंपनी के फैसलों में शामिल नहीं हूं, लेकिन मैं कंपनी प्रबंधन की गैर कानूनी गतिविधियों में साझेदार नहीं बन सकता और इस विपरीत माहौल में मेरे लिए गैर कार्यपालक निदेशक के पद पर रहना असंभव हो गया है। प्रशांत झंवर ने कहा है कि इस्तीफा देने के बावजूद कंपनी का प्रबंधन चलाने वाले अधिकारियों, खासकर प्रबंध निदेशक राजीव झंवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का उनका अधिकार सुरक्षित है। पत्र में आगे कहा गया है, 1998 से गैर कार्यपालक निदेशक के रूप में, जिसमें गैर कार्यपालक अध्यक्ष का कार्यकाल भी शामिल है, मैंने हमेशा ही इस उद्योग के प्रदर्शन और प्रबंधन को बेहतर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि कई वर्षों से कंपनी को चलाने और कानूनी प्रावधानों का पालन करने के रास्ते में कई चुनौतियां और बाधाएं पैदा की गईं। खासकर वर्तमान प्रबंध निदेशक राजीव झंवर ने कई गलत काम किए। एक स्वतंत्र निदेशक ने तो अपने प्रभाव का इतना इस्तेमाल किया कि प्रबंध निदेशक के गलत कार्यों की स्वतंत्र जांच नहीं हो सकी। राजीव झंवर और उनके कुछ सहयोगियों समीर लोहिया जो रांची में रहते हैं और जिन्हें उषा मार्टिन लिमिटेड का विशेष सलाहकार नियुक्त किया गया है, द्वारा खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाने और गलत काम किए जाने के कारण कंपनी को नुकसान हुआ। इनकी कई गड़बड़ियों में से एक है राजीव झंवर द्वारा सिंगापुर की एक कागजी कंपनी नेटकॉम के माध्यम से उषा मार्टिन की पूंजी का दोहन करना। नेटकॉम का जहाज रानी के क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है, इसके बावजूद उसे $1.7 करोड़ का ठेका देकर करीब $5 मिलियन का नुकसान कंपनी को पहुंचाया गया। ये तो केवल एक उदाहरण है। यदि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए तो ऐसी कई और गड़बड़ियां सामने आएंगी। प्रशांत झंवर ने पत्र में राजीव झंवर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय में चल रहे मामले का भी उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि ईडी ने 10 जून 2019 को राजीव झंवर से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूछताछ की। पत्र में कहा गया है कि उन्होंने 27 अगस्त और 4 सितंबर 2019 को निदेशक मंडल की बैठक बुलाने का अनुरोध किया, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया। इतना ही नहीं, ईडी ने कंपनी की 190 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर लिया। प्रशांत झंवर ने लिखा है कि कभी
देश विदेश में अपनी साख के लिए विख्यात उषा मार्टिन के खिलाफ कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। हालांकि मैं कंपनी के कामकाज से जुड़ा नहीं हूं, लेकिन एक शेयर धारक होने के नाते मैं इन गड़बड़ियों का मूक दर्शक बना नहीं रह सकता। प्रशांत झवर ने अपने इस्तीफा पत्र में राजीव झवर और उनके सहयोगियों द्वारा बरती कई गड़बड़ियों और वित्तीय अनियमितताओं का दस्तावेज भी संलग्न किया है। उन्होंने कंपनी प्रबंधन द्वारा घाटकोरी माइन से खनन किए गए लौह अयस्क के निर्यात का मामला उठाया है और कहा है कि राजीव झवर और उनके सहयोगियों ने इस अयस्क का नियम विरुद्ध निर्यात कर दिया। इससे कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ और जुर्माना भी भरना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने झारखंड सरकार और उच्च न्यायालय के आदेशों की प्रति भी लगाई है, जिसमें उषा मार्टिन के खिलाफ फैसला दिया गया है। उषा मार्टिन ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी सूचना। इधर प्रशांत झवर के इस्तीफे की सूचना उषा मार्टिन ने विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों को दे दी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सचिवों के अलावा लक्जमबर्ग के स्टॉक एक्सचेंज को भेजे गए पत्र में उषा मार्टिन की कंपनी सचिव शंपा घोष राय ने कहा है कि प्रशांत झवर ने 13 सितंबर को कंपनी के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है, इसलिए अब वो कंपनी के निदेशक नहीं हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हों तो आप हमारे इस Facebook पेज को जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।